नमस्कार दोस्तों, विराट कैरियर 6181 में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टीचर्स मॉड्यूल के बाद जो नया मॉड्यूल आया है ब्लू लाइट प्लस अपडेशन का, तो सभी स्कूलों को इस अपडेशन को कंप्लीट करना है। तो अब ये लास्ट मॉड्यूल है, इसमें स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर फिलअप की जाएगी। इससे पहले हम देख चुके हैं स्कूल मैनेजमेंट लॉगिन करके स्कूल की डिटेल अपडेट करना, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, फैसिलिटी है उसको अपडेट करने की प्रोसेस देख चुके हैं। टीचर मॉड्यूल को कैसे फिलअप किया जाए इसे हम देख चुके हैं पुराने वीडियोज में, और साथ ही टीचर्स मॉड्यूल को लॉक करना भी हम देख चुके हैं। आज हम जो देखेंगे यहाँ पर, हमको ये देखना है कि स्टूडेंट डिटेल हम कैसे फिलअप कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको लॉग इन पर क्लिक कर देना है, राइट हैंड साइड कॉर्नर पर जो लॉग इन का सिंबल बना हुआ है, इसके बाद आप प्रोफाइल फैसिलिटी और टीचर मॉड्यूल के नीचे आप देखेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल, और यहाँ पर आपको अपना जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आपको जो है वो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम SDMS यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा, और नीचे आपको लिंक दिखाई दे रही है ब्लू कलर की लॉगिन लेयर, लॉगिन लेयर पर आपको क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं यूज़र फ्रॉम ओडिशा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये तीन यूज़र आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जितने भी स्कूल हैं ये अभी अपना स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल में जब सभी स्टेटों को ओपन हो जाएगा तो आप सभी अपने अपने स्टेट का भी यहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो अभी आपको लॉगिन लेयर पर क्लिक कर देना है और अपना ब्लू डाइस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं SDMS पोर्टल को लॉगिन करने के लिए लॉगिन ID पासवर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको यूज़र ID में UDICE प्लस जो भी आपका डाइस कोड है स्कूल का वो फिलअप करना है। पासवर्ड में आपका जो पासवर्ड बनाया हुआ है या फॉरवर्ड करके आप पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। कैप्चा कोड में आपको दिखाई दे रहा है 5BFG47, जो भी आपके में कैप्चा कोड आ रहा हो उसे फिलअप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्कूल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें आपको स्कूल की पूरी डिटेल दिखाई दे रही है। इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 1-5 के स्कूल है, कोएड है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से अप्रूव है, हिंदी इंग्लिश मीडियम है। जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है 16/6/2022 से 30/4/2023 ही करंट एकेडमिक सेशन है आपके यहाँ का। और अगर इस पूरी डिटेल में अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप इसे यहाँ से अपडेट नहीं कर पाएंगे, आपको स्कूल मैनेजमेंट में जा करके इसे अपडेट करना होगा। दोस्तों, इसका एक अलग वीडियो है, सेपरेट वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि स्कूल मैनेजमेंट में जाकर के आप कैसे अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। तो अभी सिंपली आपको एक क्लोज बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक करके आपको इस वीडियो को क्लोज कर देना है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपने स्कूल की जो दर्ज संख्या है वो यहाँ पर पूरी दिखाई दे रही है, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे क्लास वाइज और सेक्शन वाइज, कितने सेक्शन हैं आपके स्कूल में। और जैसे फर्स्ट क्लास का देखें, यहाँ पर एक सेक्शन है, ए सेक्शन की डिटेल दी हुई है, बॉयज और गर्ल्स की टोटल डिटेल है यहाँ पर दी हुई है। और अगर आप स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1 है 2 है 5 स्टूडेंट हैं, क्लास 5 में 6 स्टूडेंट हैं, इन सभी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं इनकी डिटेल देखना चाहते हैं तो व्यू मैनेज पर आप क्लिक करके इनकी डिटेल देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसे अपडेट करना मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, यही अपना सबसे मेन पोर्शन है। यहाँ पर अभी देख रहे हैं यूज़र मैनुअल भी दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये लैंग्वेज जो यहाँ पर दी हुई है इसे आपको चेंज करना है, यहाँ ऊपर देख रहे हैं यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, आप इसे किसी भी भाषा में हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं और यूज़र मैनुअल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन मैनेजमेंट है ना, और इसके बाद आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है और स्कूल प्रोफाइल यहाँ पर लिखा हुआ। तो हमारा जो मेन अभी कार्य है, यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो कि ये नीचे दिखाई दे रही है, यही लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट है। और यहाँ पर आपको सेक्शन मैनेजमेंट है, तो सेक्शन मैनेजमेंट जैसा ये सेक्शन दिखाई दे रहा है, अगर आपको एक से ज़्यादा सेक्शन एंटर करने हैं स्कूल में, जैसे कि अगर आपके एक क्लास में 30-40-50 बच्चों के बैठने की क्षमता है और
आपके यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट है तो आप दो क्लास में बैठाते होंगे, तो वहाँ पर आपको एक ही क्लास के दो सेक्शन बनाने होंगे या तीन सेक्शन बनाने होंगे। तो वो सेक्शन की एंट्री आपको यहाँ पर करनी है कि किस सेक्शन में कितने कितने स्टूडेंट हैं और कौन कौन स्टूडेंट आपके उस सेक्शन में हैं। तो चलिए पहले सेक्शन मैनेजमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों अगर जो जानकारी यहाँ आपको डैशबोर्ड में पहले ही दिखाई दे रही है, अगर आपकी दर्ज संख्या एस अकॉर्डिंग जैसी यहाँ पर दिखाई दे रही सेम वैसी ही है, तो आपको यहाँ सेक्शन मैनेजमेंट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे यहाँ से व्यू मैनेजमेंट करेंगे और आपको यहाँ से इनका प्रोफाइल अपडेट कर देना है बच्चों का। और अगर आपको यहाँ पर जानकारी कम ज़्यादा दिखाई दे रही तभी आपको सेक्शन ऐड करना है या डिलीट करना है। तो चलिए सेक्शन मैनेजमेंट पहले देख लेते हैं। तो स्कूल सेक्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको सभी स्कूल क्लास की अपनी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आपको इस क्लास पर क्लिक कर देना है और देखना है कि इस क्लास में पहले से कितने सेक्शन बने हुए हैं। तो आप इन क्लास पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके अंदर जो भी सेक्शन बने हुए हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो मैंने यहाँ जैसे ही क्लास वन पर क्लिक किया तो यहाँ पर सीरियल नंबर एक से केवल एक ही सेक्शन बना हुआ है, तो वो सेक्शन का नाम ए है और यहाँ पर आप इसे संपादित कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें सेक्शन जोड़ना है तो अब मैं सेक्शन जोड़ने का तरीका यहाँ पर बता दूँ। और अगर आपको सेक्शन नहीं जोड़ना है, एक ही सेक्शन में आपके सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सेक्शन जोड़ने के लिए आपको यहाँ से अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी क्लास में आप सेक्शन ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है उस सेक्शन का नाम ए बी सी। जैसे ए सेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको यहाँ पर बी फिलअप करना है। और किस मीडियम में आपको उस सेक्शन में पढ़ाई की जाती है, हिंदी माध्यम में या इंग्लिश माध्यम में, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आप जोड़े पर क्लिक कर सकते हैं या ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वो सेक्शन दिखाई देने लगेगा। सेक्शन ऐड करने के बाद आपको फिर से छात्रों की सूची पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और फिर से हम अपने होम पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। दोस्तों हम एक बार फिर यहाँ पर आ चुके हैं अपने होम पेज पर या सभी छात्रों की सूची पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्ज संख्या जो है आपकी पहले से इसलिए बताती है क्योंकि ये जो है आपका समग्र शिक्षा पोर्टल से उठाई गई जानकारी है या संबंधित स्टेट के अपने अलग अलग पोर्टल हैं जो एजुकेशन पोर्टल है वहाँ से ये जानकारी उठा ली जाती है। अब इनमें अगर आपको कोई गड़बड़ी है तभी आपको कुछ करना है, अदरवाइज आपको सीधे जो मेन अब जो कार्य है वो आपका यहाँ से चालू होता है। जो पहले से दर्ज संख्या है तो उसे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो बना हुआ है देखें या मैनेज करें का जो सिंबल है इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लास की जानकारी दी हुई है, सेक्शन दिया हुआ है और उस सेक्शन के अंदर जो स्टूडेंट की लिस्ट है वो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, जेंडर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। अब यहाँ पर इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है फर्स्ट स्टूडेंट में, जितने भी स्टूडेंट हैं आपको यहाँ पर पर आपको सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आप तीन पोर्शन देख रहे हैं जीपी ईपी और एसएस। तो यहाँ पर आपको ये तीनों पोर्शन जो हैं हर एक स्टूडेंट का एक एक करके आपको कंप्लीट करना है। जब आप ये तीनों पोर्शन कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आर्क बनी हुई है, आपका सिंबल बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप एक जाए पूरा उस स्टूडेंट की डिटेल देख सकते हैं। और अगर सब कुछ ओके है तो आपको इसे सबमिट कर देना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जीपी पर क्लिक करके, और ये जनरल प्रोफाइल है इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको ये एक एक करके अपडेट नहीं करनी है। आप जीपी पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे तो जीपी पर आ जाएंगे और फिर एनएफ पे आ जाएंगे। तो चलिए सिंपली आपको अभी जीपी पर क्लिक कर देना है, हम स्टेप बाई स्टेप सारी डिटेल यहाँ पर देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट की डिटेल ओपन हो चुकी है और अब आपको उसका यहाँ पर नाम और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और साथ ही मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अब जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर खाली हैं उनको आपको यहाँ पर एंट्री करना है। तो आधार के अनुसार छात्र का नाम आपको लिख देना है, ये जो छात्र का नाम है समग्र मैपिंग के अनुसार दिया हुआ है और यहाँ पर आपको आधार के अनुसार नाम लिख देना है। फादर्स नेम में पिन कोड आपको लिख देना है, इसी के साथ आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है अभिभावक का और किस भाषा में बच्चे की मातृभाषा क्या है, यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार
अगर अल्पसंख्यक समुदाय से है तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। BPL कार्ड यस नो पर आपको क्लिक करना है। अगर कोई जानकारी यहाँ पर गलत फिलअप है ऑलरेडी तो आप यहाँ से उसे करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि EWS से संबंधित जानकारी है और बाकी नॉर्मली जानकारी है, ये सारी आपको यस नो में यहाँ पर क्लिक करके इसे कंप्लीट कर देना है। और जब ये सारी जानकारी जो जनरल प्रोफाइल है स्टूडेंट की ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट या अगला लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करके अगली प्रोफाइल पर आ जाना है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि तीन प्रोफाइल हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है, तो अभी हम जो है छात्र की सामान्य जानकारी पर है। इसके बाद हम स्कूलों के छात्रों के नामांकन का विवरण और इसके बाद हम करेंगे छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण हम यहाँ पर फिलअप करेंगे और छात्र की प्रोफाइल पूर्व अवलोकन जो कि सबसे लास्ट में मैंने बना बताया था कि आई बनी हुई है, आंख का निशान बना हुआ है, उस पर क्लिक करके जो देखा जाता है ये आपकी तीन प्रोफाइल हो गई और एक ये आपका प्रीव्यू हो गया। तो ये आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके ही करते जाना है। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा सेक्शन जो है उसमें आ चुके हैं। स्कूल में छात्रों के नामांकन का विवरण अब हमें यहाँ पर फिलअप करना है। तो लगभग सारी चीज़ें फिर भी ऑलरेडी फिलअप हैं, जैसे कि दाखिला नंबर आपका यहाँ पर डला हुआ, प्रवेश तिथि डली हुई है, इनमें कोई करेक्शन है तो आप कर सकते हैं। रोल नंबर अगर आपके यहाँ है तो आप फिल कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ से जानकारी सिलेक्ट करना है, जो वर्ग है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पिछले शैक्षणिक सत्र में स्टूडेंट जो है किस स्कूल में था, अगर करेंट स्कूल में ही है इसी स्कूल में ही था तो आपको इसी ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। और पिछले शैक्षणिक वर्ष 21-22 में अध्ययन का जो वर्ग है वो आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों बहुत सिंपल जानकारी है, लेकिन हर स्टूडेंट की अलग अलग जानकारी आपको इसी प्रकार फिलअप करनी है। तो जिस स्कूल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है तो वो शिक्षक अपने मोबाइल से ही इस डेटा एंट्री को कंप्लीट करें, और जिनके यहाँ कम स्टूडेंट दर्ज संख्या कम है तो वो अपना कहीं से करा भी सकते हैं। तो बाकी ये है कि आप लोगों को अपना स्कूल का जो भी डिटेल है अपने खुद के मोबाइल से करेंगे तो भी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इतनी डिटेल आप किसी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर के फिलअप नहीं करा सकते। तो चलिए ये आपका कम्प्लीट हो जाएगा। तो आपको अगला करना है, फिर से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगला का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट पोर्शन पर। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो छात्र है उसको मिलने वाली जानकारियों को फिलअप करना है। तो उन सारी जानकारियों को फिलअप करने के लिए आपको सिंपली जो है इस पर क्लिक करते जाना है। सिंपली यस और नो आपको यहाँ पर दिया हुआ है और इससे ज़्यादा कोई जानकारी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की दिया हुआ है यहाँ पर, अगर ये लाभ भी मिले हैं तो आपको यहाँ पर जरूर इन्हें बता देना है। छात्रवृत्ति की डिटेल दी हुई है, स्काउट गाइड में अगर बच्चा भाग लेता है या NCC में कहीं पार्ट लेता है तो आपको यहाँ पर वो जानकारी देनी है। नॉर्मल जानकारी है, अगर आपके स्कूल से कोई तो स्कूल से जो भी सुविधाएँ मिल रही हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे देना है। अब आपको जो है सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं ब्लू कलर से, तो अभी तक हमने तीन सेक्शन कंप्लीट कर दिए और सबमिट नहीं किया था, तो अब आपको यहाँ पर जमा करें या सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके आपको छात्र के पूर्व अवलोकन जो भी हमने अभी तक तीन सेक्शन भरे हुए हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको पूर्व अवलोकन या प्रीव्यू में आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना है अगला और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल एक बार अच्छे से ऊपर से लेकर नीचे तक चेक कर लेनी है, या अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो तो आप अभी भी इसे सुधार कर सकते हैं। अब आपको इस डिटेल को कंप्लीट करने के लिए डेटा पूरा करने पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप अपने डेटा को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। दोस्तों अगर इस तरह की एरर आपके में भी आ रही है तो आपको इसे ओके कर देना है। और आपको जो फॉर्म है सभी इंडिविजुअल सबमिट करना था, जहाँ आपने अगला अगला या नेक्स्ट पर क्लिक करते आए थे उससे पहले जो ब्लू कलर का सिंबल रहता है नीचे बीच में सबमिट का, वो सभी आपको इंडिविजुअल सबमिट करने होंगे। तो चलिए मैं बता दूँ आपको कि वो कैसे करना है। तो दोस्तों ये मैं आपसे बता रहा था कि आपने जो किया था अभी मैंने जो आपको बताया था कि नेक्स्ट नेक्स्ट या अगला करते जाना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर
जमा करना है इंडी मतलब आप जिस भी फॉर्म में रहेंगे तीनों फॉर्म को आपको जमा भी करना है। आप अगला फिर उसके बाद आपको अगले पर क्लिक करना है, तो ऐसा करेंगे तो आखिरी में वो एरर नहीं आएगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा डेटा है, पर हर स्टूडेंट का आपको इसी प्रकार फिलअप करना है, तो बहुत ज़्यादा डेटा होने वाला है, तो आप अपने मोबाइल से ट्राई करें और इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।